हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 10 मार्च 2021, एक नए दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। आईपीएल 2021 का टाइटल प्रायोजक यानी कि टाइटल स्पॉन्सर कंपनी कौन बनी है? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, चाइना की कंपनी है वीवो, मोबाइल एप्लीकेशन मोबाइल बनाती है ये कंपनी, और यहां पर ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। चीनी मोबाइल निर्माता कंपनी है विवो, आईपीएल 2021 के 14वें सीजन के प्रायोजक होंगी, और ड्रीम इलेवन आईपीएल 2020 के लिए टाइटल प्रायोजक के रूप में कार्य करेंगी। 2021 में आईपीएल का 14वां संस्करण खेला जाएगा और पहला मैच 9 अप्रैल 2021 से चेन्नई में होगा। यहां मुंबई इंडियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में मैच खेला जाएगा, और दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में 30 मई 2021 का फाइनल मैच यहां पर खेला जाएगा। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम रॉयल चैलेंजर्स राजस्थान रॉयल्स रही थी, उप विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। 2020 में आईपीएल का 13वां संस्करण यूएई में खेला गया था। आईपीएल 2020 में विजेता टीम मुंबई इंडियंस रही है। आईपीएल 2020 में एक एल राहुल को ऑरेंज कैप दिया गया था, जो कि सर्वाधिक रन बनाने वाले को दिया जाता है, और पर्पल कैप दी गई थी यहां पर सर्वाधिक विकेट लेने वाले को, जो कि है यहां पर कागिसो रवाड़ा। भारतीय रेलवे की पहली महिला रेलवे ड्राइवर कौन बनी है? ये बनी है सुरेखा यादव, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। महाराष्ट्र की सुरेखा यादव 1998 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी, और अब 2021 में फिर से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुंबई से लखनऊ तक के एक स्पेशल ट्रेन को चलाकर इतिहास रचा है, क्योंकि इस ट्रेन में खास यह रहा था कि इन्होंने यहाँ पर पूरा स्टाफ महिलाएं ही थी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। इंडियन रेलवे यानी कि भारतीय रेलवे स्थापना 16 अगस्त 1853 में हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ सुनीत शर्मा हैं। आरपीएफएस जो महानिर्देशक हैं ये है अरुण कुमार। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री हैं जॉन मथाई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? यह शुरू की है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 6 मार्च 2021 को 50,192 करोड़ का बजट पेश किया, और इस बजट के दौरान हिमाचल प्रदेश की सरकार ने स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना को शुरू किया। इस योजना के तहत 65 से 69 वर्ष तक के आयु की महिलाओं को बिना आय सीमा के ₹1,000 प्रति माह पेंशन दिया जाएगा, और इससे प्रदेश में 60,000 महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला है, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, बीजेपी पार्टी जाते हैं, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, मुख्य न्यायाधीश हैं लिंगप्पा नारायण। लोकसभा की 4 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 68। राजकीय पशु है हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी है जुराना, राजकीय वृक्ष है देवदार। 4 पड़ोसी राज्य भी है पंजाब हरियाणा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं सूरजताल झील, नाको झील, इसके अलावा रेणुका झील, चंद्रताल झील, इसके अलावा यहाँ पर खाजियार झील, मछियाल झील, भृगु झील, यह सभी हिमाचल प्रदेश की मुख्य झीलों में से एक है। हिमाचल प्रदेश के कुछ दर्रे भी हैं, जैसे कि रोहतांग दर्रा है, सिपकिला दर्रा है, इसके अलावा बाड़ा लाचा दर्रा है। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया? भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। उत्तराखंड वन अनुसंधान की ओर से रानी खेत में जापानी तकनीक पर आधारित देश के पहले हीलिंग सेंटर की स्थापना की गई है। इस सेंटर को बनाने का उद्देश्य है तनावग्रस्त लोगों को तनाव से बाहर निकालने के साथ ही लोगों में जंगलों के प्रति लगाव पैदा करना है। उत्तराखंड स्थापना 9 नवंबर 2000
को ही है, राजधानी है देहरादून गेंडसोन। अच्छा, मुख्यमंत्री यहाँ पर जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है उनको अभी आज ही उन्होंने इस्तीफा दिया है, एक्चुअली में कल इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है, शाम को 4 बजे की बात है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अब ये यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री कहलाएंगे, अभी यहाँ पर कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है। आज जो पार्टी है बीजेपी पार्टी वो अपनी मीटिंग करेगी और वहां पर ये डिसाइड किया जाएगा कि अगले मुख्यमंत्री कौन है। गवर्नर है बेबी रानी मौर्या, मुख्य न्यायाधीश है राघवेंद्र सिंह चौहान, दो पड़ोसी राज्य भी हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और अगर हम यहाँ पर बात करें नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, दो पड़ोसी देश हैं तिब्बत और नेपाल। इसके अलावा यहाँ पर लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की है 71। रिपोर्टिंग इंडिया, माई 17 ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट, ये बुक लिखी गई है। तो ये बुक किसने लॉन्च करी है? प्रेम प्रकाश ने। ये बुक, इस बुक के लेखक कौन है? प्रेम प्रकाश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया। यह दिन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के सम्मान और अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम जो रही है वो है यहाँ पर वुमन इन लीडरशिप, अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19। तस्नुवा अनान शिशिर किस देश के पहले ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बने हैं? ये बने हैं डी, बांग्लादेश के। बांग्लादेश में एक निजी टेलीविजन समाचार चैनल के पहले ट्रांसजेंडर तस्नुवा अनान शिशिर को समाचार प्रस्तुतकर्ता नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च से जो शिशिर है इनको 22 टीवी के नए समाचार पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ पर भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय है कुशीनगर उत्तराखंड में, और भारत की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश है यहाँ पर जोयता मंडल। बांग्लादेश राजधानी ढाका, जो करेंसी है वो है टका। और इसके अलावा प्रधानमंत्री, अगर हम यहाँ पर बात करें प्रधानमंत्री की, तो शेख हसीना है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर राष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगे अब्दुल हामिद। अच्छा, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको पता होगा, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा यहाँ पर कि जो शेख मुजीबुर रहमान है वो फादर ऑफ द नेशन कहे जाते हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि शेख मुजीबुर रहमान जो है ये किसके पिता हैं, तो आपको मैं बता दूं ये है शेख हसीना के पिताजी, ठीक है। शेख हसीना के पिताजी अगर आपको पूछे तो कौन है, तो ये है शेख मुजीबुर रहमान। यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे बड़ी बाउंड्री लाइन शेयर करता है जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है, पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारतीय मूल की कौन फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष वीपी और मुख्य परिचालक अधिकारी यानी कि सीओओ नियुक्त हुई है? डी करेक्ट होगा, निरोनी हसन जो है ये नियुक्त हुई है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी, भारतीय अमेरिकी मूल की 25 वर्षीय महिला निरोनी हसन को न्यूयॉर्क के फेडरेशन रिजर्व बैंक की जो उपाध्यक्ष है और मुख्य परिचालन अधिकारी बना दिया गया है। फेडरल रिजर्व बैंक स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1913 को, मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अध्यक्ष है जोरोम पोवेल और सीईओ है ये है जॉन सी विलियम्स। T20 इंटरनेशनल में 6 छक्के लगाने वाले ऑस्ट्रेलिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो ये बने हैं, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, सी आरोन फेंच जो है ये यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान और ओपनर बल्लेबाज आरोन फेंच T20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया के 100 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज यहाँ पर बन गए हैं। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। आईसीसी रेगुलेट यहां पर करता है इंटरनेशनल क्रिकेट को, और आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को, मुख्यालय है दुबई में और अध्यक्ष हैं ग्रेगर बारकले, सीईओ है मनु साहनी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। चैंपियंस पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020
के खिताब से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट होगा, द हिंदू ग्रुप को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यह पुरस्कार डिजिटल मीडिया में समाचार प्रकाशकों के द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य की पहचान के लिए प्रस्तुत किया जाता है। द हिंदू ग्रुप ने वन IFRA वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर न्यूज पब्लिकेशन के साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड से 2 स्वर्ण और 2 सिल्वर जीते हैं, जिनका नाम चैंपियंस पब्लिशर ऑफ द ईयर रखा गया है। विजेता को 3 मार्च 2021 को आयोजित डिजिटल मीडिया इंडिया 2021 सम्मेलन में वर्चुअल सम्मानित किया गया था। आज का टेस्ट का क्वेश्चन है, आईपीएल 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू एवरीवन एंड बाय गाइस, टेक केयर।